aliás, subscreve-no. हाँ तो दोस्त, ये सेकेंडरी पंप है, ठीक है, और इसमें सप्लाई रिटर्न दोनों है। पाइपलाइन एक सप्लाई एच में जाता है, फिर दूसरा रिटर्न आता है उधर से पानी। ये सप्लाई है जो भी आप देख रहे हो, ये एच में जाएगा, मैं आपको एच में अभी दिखाऊंगा। और ये है जो घूमता हुआ आपके सामने देख रहे हैं रिटर्न, वो जा रहा है चीलर में। ओके, वहाँ पर चीलर वाले शूटर भी है, ठीक है। तो ये सब सिस्टम है, और ये जो हमारा ये सप्लाई डक्ट है जो नीचे एरिया में जाके सर्व करेगा हर रूम को, ठीक है। और इधर हमारा पैनल है सब, जिसे एच यू हमारा ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है। ये सब डीडीसी पैनल है, ओके, और वीएफडी पैनल है जिससे हम मोटर को, एच यू के मोटर को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और ये रहा हमारा जो रूम का सर्व करता है, और ये है फिल्टर, ठीक है। नीचे वाला जो आपको स्टील पाइपलाइन दिख रहा है वो सप्लाई है, और ऊपर वाला रिटर्न है, ठीक है। सप्लाई जाएगा कूलिंग करके, फिर रिटर्न से वापस होके आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको रिटर्न में अब चिल वाटर वाले शूटर दिखा देता हूँ जो रिटर्न में लगा हुआ है। ऊपर देखिए, हाँ, ये जो रिटर्न में लगा है चिल वाटर वाले शूटर, जो हमारे पानी को कंट्रोल करता है, कितना हमें कूलिंग चाहिए उसके हिसाब से। इसको हम खोलते हैं, देखते हैं। ओके सॉरी फ्रेंड्स, ये नहीं खुल रहा है, ठीक है, किसी और टाइम खोलेंगे इसको। ओके, और मैं आपको, हाँ, DPS दिखा दूँ, ये जो सप्लायर फाइनल स्टेटस बताता है, स्टेटस DPS। ओके, ये पूरा एच यू है, एच यू में क्या क्या लगा हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ, कि फ्रेश एयर डक्ट है जो भी है। और ये फिल्टर के लिए, स्टेटस के लिए DPS लगाया गया है, ठीक है, जो फिल्टर का स्टेटस अलार्म बताएगा। और ये हमारा फ्रेश एयर डंपर एक्चुएटर है जो आप सामने देख रहे हैं, जो अंदर लगा हुआ है, ठीक है। हाँ, यहाँ नीचे जा रहा है, बाहर जो गया है ना, हाँ यही, ये फ्रेश एयर डैम्पर है। अगर फ्रेश एयर चाहिए तो इस डैम्पर को हम ओपन करेंगे तो हमारा फ्रेश एयर मिलेगा। और ये सब पूरा एच यू है, ठीक है। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। मिलेंगे किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।